Hello students, I am Ruchika from English Academy. I welcome all of you. And in today's session, we'll study Class 12 English Flamingo Book Poem 1, My Mother at 66, written by Kamala Das. Kamala Das बहुत famous poet थी. उनका pen name था Madhavi Kutty. उन्होंने ये poem लिखी है जिसमें वो अपने mother के बारे में हमें बताती हैं. कैसे जब उनकी मदर बूढ़ी हो रही हैं, वो 66 इयर्स ऑफ एज की हैं, तो वो थोड़ी बीमार भी हैं और वो वीक भी हो गई हैं एजिंग की वजह से. तो कमला दास को अपनी मदर की देखते हुए कैसे फील होता है, उसे दुख फील होता है क्योंकि उसे ये डर है कि वो अपनी मदर को खो देगी, उसकी मदर की डेथ हो सकती है क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो गई है. और यही फीलिंग्स पोएट ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस पोएम में एक्सप्रेस की है. ये जो पोएम है इसकी कुछ खासियत मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ. इट हैज बीन रिटन इन फ्री वर्स, यानी कि इसकी कोई राइम स्कीम नहीं है. एक ही लाइन में, एक ही कंटिन्यूटी में, जैसे हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं उस तरह से ये पोएम लिखी गई है. देर इज नो राइम स्कीम फॉलोड इन द पोएम एंड देर आर नो स्टैंजास ऑल्सो. द एंटायर पोएम इज वन सिंगल पीस. सो लेट अस रीड द पोएम. आई विल डिस्कस द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन द पोएम टू यू एंड वी विल ऑल्सो टेक अप द पोएटिक डिवाइसेज दैट हैव बीन यूज्ड. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. सो इससे हमें क्या पता चल रहा है, पोएट और उनकी मदर कार में बैठे हुए हैं. वो कोचीन जा रही हैं अपने पेरेंट्स के घर से. तो वो अपने पेरेंट्स को मिलने आई हुई थी, अब वो वापस जा रही हैं. तो वो कोचीन तक ड्राइव करके जा रहे हैं, वहां से वो एयरपोर्ट से प्लेन लेंगी. तो पोएट को उनकी मदर सी ऑफ करने के लिए उनके साथ जा रही हैं, उनकी मदर उनके साथ कार में बैठी हुई है. तो पोएट हमें कहती है कि पिछले फ्राइडे की सुबह जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन की तरफ ड्राइव करते हुए कार में जा रही थी, मैंने अपनी माँ की तरफ देखा जो मेरे साथ बैठी हुई थी. अब इसमें हम पोएटिक डिवाइसेस कौन से यूज हुए हैं वो देख लेते हैं. माय मदर, ये दोनों वर्ड्स में म साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है स्टार्टिंग में. दिस इज द डिवाइस ऑफ एलिट्रेशन. Now we proceed further. Doors open mouth, her face ashen, like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. But soon, doors is a short sleep. Ashen means the color of ash. Ash जिसे हम राख कहते हैं, उसका color कैसा होता है? Dark grey. Ashen means that color, dark grey. Corpse is a dead body. So Kamala Das says that when she looked at her mother was sleeping और उनका मुंह खुला हुआ था. तो वो मुंह खुला रख के सो रही थी, उनकी आंख लग गई थी और उनका चेहरा ash के रंग जैसा था, एकदम dark grey color का था, बहुत ही matte finish का था, जैसे एक dead body का होता है. और उनका चेहरा देख के माधवी कुट्टी को बहुत दर्द हुआ, बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि उनकी मदर दिखने में जितनी बूढ़ी लग रही थी वो उतनी ही बूढ़ी सच में भी है. शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, यानी कि दिखने में वो बहुत बूढ़ी लग रही थी, वो एकदम डेड बॉडी की तरह लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि उनका एंड आ गया है. और माधवी ने ये रियलाइज किया कि उनकी मदर सच में उतनी ही बूढ़ी है जितनी की वो दिख रही है. मीन्स वो सच में काफी बूढ़ी हो गई है. नाउ लेट अस सी विच पोएटिक डिवाइसेस हैव बीन यूज्ड इन दीज लाइंस. First of all, her face ashen like that of a corpse. This is a simile. Simile is a direct comparison between two things using like or as. यहाँ पर like use करके किन दो चीजों को compare किया जा रहा है? Poet की mother के face को dead body के साथ compare किया जा रहा है. यहाँ पर देखिए, she was as old as she looked, यानी कि उनकी मदर को उनकी एज के साथ कंपेयर किया जा रहा है. उनकी मदर की लुक्स उतनी ही थी जितनी की उनकी एज थी. तो इन दोनों चीजों को कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पर, ये भी एक सिमिली है. देन वी प्रोसीड फर्दर. शी सेज बट सून, यानी कि अब कुछ कॉन्ट्ररी होने वाला है. पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स.
Sprinting here means running. And spilling means to come out in a large number. तो कहती है बट सून पुट दैट थॉट अवे, यानी कि उन्होंने फिर उस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दिया। कौन सा ख्याल था? ये ख्याल कि उनकी मदर का चेहरा ऐश के रंग का हो गया था और वो डेड बॉडी की तरह दिखने में लग रही थी। तो उन्होंने इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दिया और गाड़ी की खिड़की से बाहर देखने लग गई। बाहर उन्हें एकदम ऑपोजिट सीन देखने को मिला। उन्हें क्या देखा? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब जब आप कार में मूव कर रहे हैं और आप बाहर खड़े हुए ट्रीज को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वो पेड़ भी भाग रहे हैं, जैसे आप इस इमेज से भी रिलेट कर सकते हैं। अगर आप एक मूविंग व्हीकल में हैं तो आपको सड़क के किनारे लगे हुए पेड़ ऐसे लगते हैं जैसे कि वो भी दौड़ रहे हैं। तो कमला भी यही कहती है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। फिर उन्होंने क्या देखा कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो बहुत खुश हैं, आपस में खेल रहे हैं और खेलते खेलते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर गार्डन में आ रहे हैं। अब ये जो दोनों चीजें उन्होंने देखी, ये बिल्कुल ऑपोजिट है उस चीज से जो उनके साथ गाड़ी में थी। उनके साथ गाड़ी में उनकी बूढ़ी माँ थी जो बिल्कुल डेथ लाइक लग रही थी, एक डेड बॉडी की जैसी लग रही थी, जिसे देखकर माधवी को बहुत दुख हो रहा था। ऑन द ऑपोजिट जब वो खिड़की से बाहर देखती हैं तो क्या देखती हैं? बहुत ही अच्छे अच्छे हरे भरे यंग यंग पेड़ हैं जो कि ऐसा लग रहा है कि बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं। और फिर वो देखती हैं कि बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर छोटे छोटे बच्चे हैं जो बहुत खुश हैं और वो अपने घरों से बाहर गार्डन में आ रहे हैं खेलने के लिए। ये दोनों चीजें उनकी मदर से बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ये लाइफ को सिग्निफाई करती हैं, एनर्जी को सिग्निफाई करती हैं, यूथ को सिग्निफाई करती हैं, जबकि उनकी मदर बिल्कुल ऑपोजिट चीजों को सिग्निफाई कर रही हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस यूज हुआ है, दैट इज इमेजरी। यहाँ पर देखिए, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग मींस पेड़ भाग रहे हैं, ये एक इमेजरी है। आप ये सीन को विजुलाइज कर सकते हैं कि आप कार से बाहर देख रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि पेड़ दौड़ रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ये भी एक सीन है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि बच्चे हैं वो खेलते वक्त अपने घरों से बाहर दौड़ रहे हैं, गार्डन में खेलने जा रहे हैं। तो ये डिवाइस यूज हुआ है इमेजरी का, जब रीडर के माइंड में किसी भी तरह का सीन क्रिएट किया जाता है। नाउ वी प्रोसीड फर्दर। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वॉन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। वॉन मीन्स कलरलेस और यू कैन से अननेचुरली पेल। पेल मीन्स अगेन टू बी विदाउट कलर, बिल्कुल पीले पड़ जाना। तो यहाँ पर पोएट कहती हैं कि जब वो एयरपोर्ट पहुंच गई, उन्होंने सिक्योरिटी चेक भी कर लिया, तब उनकी मदर उनसे कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी। यार्ड्स इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस, अ फ्यू यार्ड्स अवे। सो हर मदर वॉज स्टैंडिंग सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम हर बिकॉज ओनली द पोएट वॉज गोइंग टू सम अदर प्लेस। हर मदर हैड जस्ट कम टू सी हर ऑफ। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, उनकी मदर उनसे कुछ डिस्टेंस पर खड़ी हुई है। तो जब इस डिस्टेंस से हमारी पोएट ने एक बार फिर से अपनी मदर को देखा तो उन्होंने क्या देखा? उनकी मदर बिल्कुल कलरलेस है, उसका चेहरा बिल्कुल पेल है, जस्ट लाइक अ लेट विंटर्स मून। तो कहती हैं जिस तरह से जब लेट विंटर होती है तब जो मून है उसमें बिल्कुल भी शाइन नहीं होती, वो बहुत ही पेल हो जाता है। मून की जो चांदनी है, जो लाइट है, वो आसमान में नहीं फैलती। तो उनकी मदर भी ऐसी ही लग रही थी। शी इज अगेन कंपेयरिंग हर मदर विद द लेट विंटर्स मून। सो इन दीज लाइन्स द पोएट सेज के एयरपोर्ट पर जाकर सिक्योरिटी चेक करवाने के बाद वो अपनी मदर से कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी, तब उन्होंने एक बार फिर से अपनी माँ की तरफ देखा। उनकी माँ का चेहरा बिल्कुल कलरलेस था, बिल्कुल पीला था, जिस तरह से लेट विंटर का मून होता है। यहाँ पे हमें फिर से सिमिली देखने को मिलती है, एज यूज हुआ है कंपेयर करने के लिए। क्या चीजें कंपेयर हो रही हैं? पोएट की मदर का फेस कंपेयर हो रहा है
टू द लेट विंटर्स मून, तो उनका चेहरा मून के साथ कंपेयर किया जा रहा है। वी मूव अहेड एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माय चाइल्डहुड्स फियर, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। एक हियर मीन्स पेन, दर्द होना। तो कहती है कि जब मैंने अपनी मदर को देखा तो मुझे एक बार फिर से वही बचपन का दर्द महसूस हुआ, जब बचपन में उन्हें ये डर लगता था कि कहीं वो अपनी माँ से अलग ना हो जाएं, वही डर उन्हें एक बार फिर से लगा। उन्हें ये लग रहा था कि अब वो अपनी माँ को छोड़कर जा रही हैं, उनकी माँ बहुत बूढ़ी हो गई है, तो हो सकता है वो उनसे दोबारा ना मिल पाए। तो ये जो डर है, ये जो पेन है, ये एक बार फिर से माधवी को फील हुआ और उन्हें अपने बचपन का दर्द याद आ गया। तो कहती हैं कि मुझे जब वो दर्द महसूस हुआ तो मुझे अपने बचपन का जो डर था वो याद आ गया, लेकिन उन्होंने उसे प्रेजेंट नहीं किया, उन्होंने अपनी मदर के साथ वो शेयर नहीं किया। उन्होंने अपनी मदर को सिर्फ ये कहा, सी यू सून अम्मा, और उन्होंने क्या किया, स्माइल किया अपनी माँ को देखकर, क्योंकि वो अपनी माँ को दुखी नहीं करना चाहती थी। वो अपनी फीलिंग्स, अपना दुख, अपना दर्द अपनी माँ के सामने नहीं शो करना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी माँ भी वीक फील करे। तो यहाँ पे हमें रेपिटेशन का पोएटिक डिवाइस देखने को मिलता है। लास्ट लाइन में स्माइल वर्ड रिपीट हुआ है। ये क्यों रिपीट करते हैं? एम्फेसिस डालने के लिए उस वर्ड पे या उस फीलिंग पे, स्ट्रेस डालने के लिए। पोएट ये कहना चाहती है कि जो उनकी स्माइल है वो एक फेक स्माइल थी। अंदर से तो वो बहुत दुखी थी, वो दर्द महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी अपनी माँ को खुश करने के लिए वो स्माइल कर रही थी, इसलिए उन्होंने इस वर्ड को रिपीट किया है, टू ले स्ट्रेस ऑन। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस पोएम। वी हैव रेड दिस पोएम माई मदर एट 66। आई हैव डिस्कस्ड द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स। आई हैव एक्सप्लेन द पोएम टू यू ऑल्सो एंड वी हैव ऑल्सो सीन द डिफरेंट पोएटिक डिवाइसेज दैट हैव बीन यूज्ड। इट वॉज अ वेरी टचिंग पोएम वेयर द पोएट शेयर्स हर innermost feelings towards her mother and towards the fear of losing her. In case you have any doubts, please feel free to write in the comment section and I will try and reply to you. Until we meet next, take care and goodbye.